लव बेटा लव। हाँ मम्मी, इतनी देर चिल्लाए जरूर, क्या हो गया? आज बुआ के लड़के ने रेवाड़ी से आना है, अपने कमरे की सफाई कर लो। देखो मैं कोई कमरे की सफाई नहीं करने वाला, अगर आपको करनी है आप कर लो, ठीक है? एक मिनट, वो यहाँ आ रही है? कितने दिनों के लिए आ रही है? भाई घर है धर्मशाला, कभी वो पड़ोस की चुगलखोर आंटी आपके यार मम्मी। लिसन, मैं अपने कमरे में उसको नहीं रुकवाने वाला, अगर आपको रखना है अपने कमरे में रख लो, मेरे कमरे में नो एंट्री, ओके? समझ गए आप? ये क्या तरीका है बोलने का, सेम अपने बाप पे गया है। सुनो लव, 3-4 दिन की बात है, अपना कमरा दे दो, पैसे मांगने के लिए फटाफट आ जाते अपनी मम्मी के पास, अभी इतना सा काम नहीं कर सकते, मतलब ही कहीं के। अब आप भी चलिए, क्या ये फोटोज देखते रहते दिन भर, ये क्या की? पापा आपकी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अखबार तो छोड़ दीजिए, साथ लेके जाएंगे उस लड़की को। साला इस घर में मेरी चलती भी है थोड़ी बहुत, आ जाएगी अब गवार 3-4 दिनों के लिए यहाँ पे। भैया वहां घुमा, भैया कुतुब मीनार दिखा के लाओ, भैया ताजमहल, गवार। ये भोसड़ी वाला ठरकी, इसे कुछ काम नहीं है, हर टाइम पॉर्न ही भेजता रहता है। वैसे भी 3-4 दिनों के लिए वो आ रही है, एक बार कर लेता हूँ। थैंक यू रविंदर। ओह, तू अंदर कैसे आई? तू अंदर कैसे आई? गेट तो बंद था बाहर का। छी, कैसे दुष्कर्म कर रहे हैं आप? दरवाजा बंद करके तो कर लेते, कोई शर्म लिहाज ही नहीं है इस शहर के लोगों को तो। छी, अब ठीक है, हो गया, नॉर्मल हो जाओ यार, मुझे भी ऑकवर्ड कर रही तुम फालतू में, सब करते हैं ठीक है, कोई मैं ही इकलौता नहीं हूं जो करता हूं ये। और वैसे भी तुम गांव से हो तो तुम्हें तो ये सब कुछ सब पता होगा, गांव में लड़कियां बहुत तेज होती, सब बताते हैं और सब सुना है मैंने बाहर की लड़कियों के बारे में। तुझे नॉक नॉक करके नहीं आना चाहिए घर में, किसी और के घर में जा रही है, इतना तो कर सकती थी। मैनर्स कहाँ, गांव के लोगों में मैनर्स हो जाए तो। जब भी मम्मी को बोला था आज तक मेरे घर वालों ने भी ऐसे बात नहीं करी, बताती हूँ मैं। अरे खुशी बेटा, घर पे सब ठीक है ना? मम्मी पापा चाचा चाची सब ठीक है ना? और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या आप उससे इतना सवाल जवाब कर रहे हो आते? हाँ जी सब बढ़िया है। पर आज एक चीज हो गई थी आपके घर में, डर गई मैं बहुत ज्यादा। अरे क्या बताऊं यार। क्या दिखा बेटा? बताओ क्या देखा तुमको, ऐसा क्या देख लिया तुमने घर में आकर? सांप, सांप? क्या घर घर में सांप है? हाँ ये बता 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 मामी को, कहाँ था सांप? मुझे ही बताना पड़ेगा। अरे इनके रूम में था भैया जी के, खिड़की पे लटका हुआ था, हिल रहा था। सही में मम्मी पापा विंडो पे था। मैं कहा छोटा ही है तो हटा देती हूँ। छोटा नहीं था, एवरेज साइज का था। तुमने तो डरा ही दिया था, चला गया था ना वो। अरे भगा दिया। चलो चलो ठीक है। अरे क्या कर रहा है, मन नहीं भरा हैं? चल जो भी है, मैं तुझे बस ये बताने आई थी कि मामी ने बोला है कि रूम तो शेयर करना है, मैं तो शेयर करूंगी नहीं। वैसे मेरे को तेरे साथ रूम शेयर तो नहीं करना था, बट तू सोफे पे सो जाना जाके यार। मुझे लगता है मुझे मामी को बता देना चाहिए थोड़ा और सांपों के बारे में, है ना? ठीक है, ओके ओके, सो जा, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। सुनो मेरा लैपटॉप दे दो। देखो सांप आया, सांप नजर आया, आया आया आया। नेटफ्लिक्स का भी है मेरे पास, यूज कर लो। पता है नेटफ्लिक्स क्या होता है? हाथ तो गई मेरे ही कमरे से, मेरे को ही निकाल दिया। बेटा तू देख, अब कल सुबह देर पे घर से ना निकलवाया ना, मेरा नाम भी लव।
मम्मी चाय नहीं बना रहे क्या? अरे खुशी अभी तक सोई हुई है, उठा उसको। आप क्या कर रहे थे सुबह सुबह चाय? मैं ना अभी उसके कमरे में गई थी उसको जगाने के लिए, वो देख रही थी। क्या देख रही थी? जो गंदी गंदी फिल्में होती है ना वो देख रही थी, और वहीं पे माता रानी की फोटो थी उसके साथ में, सो रही थी। सच में? हाँ। अरे राम हमारा बच्चा कितना शरीफ है पता है, पूरी रात अकेले सोने दिया उसको, और अकेले हमारा बच्चा सोफे पे सोया, मच्छरों ने काट काट लाल कर दिया उसको। सही कह रही हूँ, लव को किसी की नजर ना लगे, मैं उसके आज ही नजर उतारूंगी। ये लड़की ना ये जो पता नहीं क्या कर रही है गाँव में, साथ पता नहीं कैसे हो रहा है ये गाँव में। आज ना भेजो उसको, जो भी बहाना मारना है मारो, पर उसको आज भेजो। हमारा लड़का नहीं बिगड़ना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इसने आज तक नहीं देखी होगी ऐसी चीजें। अरे मामा मामी राम 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 राम। सॉरी गुड मॉर्निंग, शहर में बोलते हैं ना। अरे खुशी बेटा सुनो। हाँ जी मामा जी। मैं तुम्हारी मामी जा रहे हैं वैष्णो माता, अभी क्या भी निकल रहे हैं, और लव जा रहा अपने दोस्तों के पास, ठीक है छपरा। एकदम से तुम्हारी हरकतों का पहले ही पता लग गया होता। चुप करो। और दूसरी बात, तुम्हारी मामी के यहाँ पर उंगली में आ गया लकवा, तो हम जा रहे हैं अभी के अभी, पैकिंग कर रहे हैं, और तुम जाओ अपने गाँव, तुम्हारे चाचा वहाँ मिल जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ। One hour later. मम्मी खुशी कहाँ जा रही है सुबह सुबह? घर जा रही है अपने वापस, मैंने सुना। मम्मी अभी पता है हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हो गए थे हम, और अभी जा रही है। तुम ना चुप करो, बहुत दोस्त है तुम्हारे, उनके साथ घूम लेना अभी। इस लड़की को मतलब खुशी को छोड़ के आओ बेटा, बस निकल जाएगी। हाँ मम्मी लेट तो हो रही है, लेकिन सुनो खुशी, इस बार सांप दिख गया ना रास्ते में, डर मत जा। अबे ओ निकल जा, हटो हटो। जाने वाले को कौन रोक सकता है? मम्मी चलो चलो रुकाने वाला उस कोई पे। ये कैसी लैंग्वेज है? आपने ओवरलैप कर दिया। चलो कोई नहीं, 3-2-1 करना क्या है? तो अब इसने बोला सांप कहाँ कहाँ ओके हमारे घर में सांप है, यहाँ सांप है। आशु तो नीचे देख रहे हैं। अरे खुशी बेटा सुनो। कट है कि कंटिन्यू करना है? कंटिन्यू करो। से आप चाहिए छोड़ जाइए। नहीं हमने वो खराब कर दिया, मैं डरा नहीं, मैं देख लूं। ओह कट, सॉरी गाइस, करंट परफॉर्मेंस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नहीं बोल सकते।